Achyut, we will take care of that. And if he fails also, then only we will intimate that Shastra should not be there. But yesterday I could find that some person here also, he told that link was not coming. I told here, Delhi link is a common link. So you have to see it. Do not necessarily that you have to send the link. If by chance, because of that, somebody yesterday didn't join, then it is not good. But otherwise, it's okay. तो हमारे कॉन्शियसनेस में ये सब रहना जो एक भक्त होता है ना वो होता है, ऐसा नहीं कि वो कोई कैजुअल अप्रोच में रहता है। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते रोमपाद स्वामी की नमिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्ताव भूतले श्रीमते भक्तिवेदंत स्वामी की नमिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर स्पर्शादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पंचाकल्पतपुरुष कृपा सिंधु रज पतन पावन वैष्णव नमो नमो अनंत कोटि वैष्णव की जय श्री प्रभुपाद की जय। We are trying our level best to continue these things. So that's why I'm requesting. Even if link is not shared, don't think that the classes will not be there. Unless until some intimation regarding not the class will not be there, think that classes will not be there. So yesterday it happened like that. Some devotee was telling. Okay, today we'll discuss what we have already discussed yesterday in a PPT format. So that it will remain in our mind, because हमारा mind में प्रोसेस अगर presentation format में रहेगा तो समझ सकते हैं। तो इसलिए तो today's topic हम discuss पहले करेंगे our lost relationship। हम कैसे भगवान से भूल गया और कैसे फिर material world में आके फिर दोबारा भगवान को remember करके back कर सकते हैं। तो वो कल जो topic इसमें introduction में discuss हुआ था उसका PPT format में हम आज थोड़ा discuss करेंगे, then after that we'll see. So this presentation you might have also, some of you also might have been gone through, but anyway some new persons might be also there, so to recap that one, this is there. So yesterday हम लोग जो discuss किए थे जीवो क्या होता है, ईश्वर जीवो काला प्रकृति कर्म, ये पांच चीज के बारे में जो पांच फाइव बेसिक ट्रूथ है भगवत गीता का, पांच मेन टॉपिक है इसमें डिस्कशन होता है। तो उसी के रिलेटेड में जीव कैसे ईश्वर से जुड़ा हुआ है और प्रकृति का भी रोल क्या होता है और जीव कैसे उसको भगवान से भूल के कैसे ही प्रकृति के अंदर में आ जाता है, फिर कैसे रिवाइव करके इसका रिलेशनशिप भगवान के साथ में, फिर प्रकृति कैसे निकल के कंट्रोल, प्रकृति का कंट्रोल से निकल के फिर भगवान के कंट्रोल में चला जाते हैं, तो इसके बारे में ये आज जो डिस्कशन होगा। तो ये कल का जो टॉपिक है उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में है। तो जीव द लिविंग एंट्री आर एक्सपेंशन लॉर्ड कृष्णा, हम लोग कल डिस्कस किए थे ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कशती। तो जीव कौन क्या होता है ना, जीव भगवान का अंश होता है, भगवान बोलते मेरा अंश है, मम वंश पार्ट एंड पार्सल, हम लोग डिस्कस किया सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा जो क्वालिटी बहुत कम क्वांटिटेटिवली है, इनफाइनाइट स्मेल है, भगवान इनफाइनाइट इन दैट सच्चिदानंद है। तो ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स, सब समय इटर्नल है, मतलब सब समय जुड़ा रहता है, पार्ट है। तो ड्यू टू अ कंडीशन लाइफ दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद सिक्स सेंसेस व्हिच इंक्लूड द माइंड। तो हमारा डिफरेंट इंद्रिय है,
तो ये इंद्रिय हमको, इंद्रिय जो है जड़ जड़ पदार्थ होता है, ये जड़ और जो सोल है, आत्मा है, सुपर सोल है, ये हो गए। प्लीज म्यूट, समबडी हैज नॉट म्यूट दिस माइक, प्लीज म्यूट इट। तो जड़ जो जो इंद्रिय में जो हम अंदर में हमारा सोल है, तो सोल स्पिरिचुअल है और इंद्रिय जो है मेटेरियल है, भौतिक है। तो ये भौतिक और स्पिरिचुअल का बीच में हम लोग फाइट चलता रहता है, इसीलिए ये जो स्थानिक क्षति प्रकृति, स्थानिक क्षति प्रकृति मेटेरियल नेचर, और इसके अंदर में हम स्पिरिचुअल है। हमारा एक्चुअली स्पिरिचुअली भगवान का पास में इंटरनल पोटेंसी का अंडर में रहना चाहिए, लेकिन अभी हम एक्सटर्नल पोटेंसी में है, तो इसलिए हमारा ओरिजिनल पोजीशन से हम दूर आ गया, तो इसीलिए हमको फाइट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा नेचर दूसरा है। मैं सोल हूँ, हम सोल है, सोल इज इटर्नल है, सोल इज स्पिरिट है। तो ये जो मेटेरियल चीज है, ये अपोजिट टू स्पिरिट है, तो इसीलिए इस बीच में रहने से हम लोग को फाइटिंग करना पड़ता है। तो लिविंग एंटिटीज व्हेन द जीवात्मा और सोल ट्राइज टू एंजॉय इंडिपेंडेंट लॉर्ड कृष्णा, ही कम्स टू द मेटेरियल वर्ल्ड। तो पहले तो हम लोग भगवान साथ में जुड़ा रहते हैं, तो फिर कैसे हम मेटेरियल वर्ल्ड पे आ जाते हैं, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, होने के लिए सोचते हैं, तब हम मेटेरियल वर्ल्ड को आते हैं। एग्जाम्पल ये है, एक राजा का बेटा है, तो राजपुत्र राजा के साथ में जब रहता है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजपुत्र देखता है कि मेरा पिताजी जो सिंहासन में बैठा है, मैं भी चाहूंगा वो सिंहासन में बैठने के लिए, तो आई वॉन्ट टू बी कंट्रोलर, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ माई फादर। तो ये जब मन भाव आता है, तो उस टाइम में फिर राजा उनको समझाता है कि आप ऑलरेडी वर हैप्पी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। राजा का जो पुत्र है, राजपुत्र राजा का बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वट एवर द फैसिलिटी देयर, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग दैट फैसिलिटी। तो देन व्हाई यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ मी, बट स्टिल देन because he want the enjoyment tendency there, he wants that I should be independent, to ye chhod ke chala jata hai. To bhagwan isi type ka hai, hum bhi bhagwan ka part and parcel hai, to bhagwan ka paas mein hai, to hamara bhagwan ka jo paas mein hum log jo hai, hum sukh mein rehte the, lekin hum log chahte hain ki bhagwan ka position lene ke liye. To dusra example diya jata hai, suppose koi ek president ka driver hai, to president ka driver kya sochta hai ki hum ड्राइवर है, प्रेसिडेंट को जो फैसिलिटी मिलता है, जहाँ जाते हैं, जहाँ खाना मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि मैं प्रेसिडेंट बनना है, तो इसलिए कभी कभी उसका मन में आ जाता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट से जुड़ा रहता है। सिमिलरली हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, भगवान का क्वालिटी एक है, इंडिपेंडेंट है, ही इज अभिज्ञ सुराट, ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट, तो इसलिए हमारे पास में वो इंडिपेंडेंस मेंटालिटी भी आ जाता है, और हम उसको चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन हम प्रकृति है, हम फेमिनाइन नेचर है, भगवान पुरुष होते हैं, और प्रकृति का काम है पुरुष का सेवा करना, तो पुरुष और प्रकृति का बीच में जो संपर्क को अगर बना रहेगा, तो दोनों एंजॉय करते हैं, इसका एंजॉयमेंट और इसका एंजॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद ने एक मटेरियल मॉन्डर्न एग्जाम्पल देते हैं, हस्बैंड और वाइफ, तो अगर कोई रिलेशनशिप है, तो इस टाइप का रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एंजॉय समान करते हैं, ऐसा नहीं कि वाइफ को कम एंजॉयमेंट आता है, पुरुष को ज्यादा आता है, तो इसी टाइप का यहाँ पे पुरुष और प्रकृति के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें कोई कमियां नहीं है, बट स्टिल देन इसका मेंटेलिटी होता है कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं, तो इसीलिए भगवान को समझाते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी वो मानता नहीं है, तो फिर उसके लिए उनको छोड़ के भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुम इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहते हो, तुमको एक जगह में भेजता हूँ जहाँ पे लगेगा तुम इंडिपेंडेंट है, बट एक्चुअली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो देन लॉर्ड सेंड्स अस टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड व्हिच इज जस्ट लाइक ए जेल, हियर वी थिंक दैट आई एम इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, आई एम डिपेंडेंट इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, लाइक इवन ऑफिस बॉस माइट बी थिंकिंग दैट आई एम इंडिपेंडेंट, बट स्टिल देन ही इज डिपेंडेंट ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स, बिकॉज सबॉर्डिनेट काम नहीं करेगा तो बॉस क्या कर सकता है। तो इस टाइप का और घर में भी इस टाइप का पिताजी सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ ऑल्सो, तो लाइक दिस। तो ये एक माया में रहते हुए लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, तो ये मेटेरियल वर्ल्ड एक माया का जाल है, जहाँ पे कि हमको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए वन जीवात्मा ट्राइज टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, ही कम्स टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड, जहाँ पे उसको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसी को बोलते हैं माया।
माया मीन्स नॉट या मीन्स व्हिच इज, तो जो नहीं है उसी को माया बोलते हैं। तो ये जिसे आप पानी देखते हैं, और पानी सपोज एक मरुभूमि में आप जाते हैं डेजर्ट में, वहां पे पानी दिखता है दूर में, तो लेकिन वो मिरेज है, तो उसका पास में जाते हैं फिर दिखता है नहीं, और आगे में है और आगे में। इसीलिए मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज को ऐसे ही लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए ये जो माया में हम फंस जाते हैं। तो दिस इज मटेरियल, उसी जो माया का जो कारागार है ये मटेरियल वर्ल्ड, इसका इंचार्ज है दुर्गा देवी है, और यहाँ पे हम लोग को एक बंधन के जेल में बांधा हुआ है। तो इस जेल का अंदर में हम रहते हैं, ये जेल का अंदर में हमको तीन गुण है वो बांधता है, तो एक सत्वर गुण, रजोगुण, तीन तमो गुण, तो तीन गुण में हम बांधा हुआ है। तो सत्वगुण में इसको बोलते हैं कि जो चैन है, सत्वगुण का चैन हो सकता है कि इसको गोल्डन चैन बोल सकते हैं, रजोगुण का जो है उसको सिल्वर चैन बोल सकते हैं, तमोगुण का जो बंधन है उसको हम लोग आयरन चैन बोल सकते हैं, बट चैन तो चैन ही है। तो ये मेटल वर्ल्ड में जो रहता है, ये जेल खाना में जो रहते हैं, तो इसमें हो सकता है कि तीन टाइप का कैटेगरी आप कैदी रहते हैं, एक ए कैटेगरी, एक बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी को कैदी को हो सकता है कि उसको अच्छा खाना पाना मिलता है, अच्छा बाथरूम होगा, अच्छा न्यूज़पेपर मिल सकता है, मोबाइल यूज कर सकते हैं, लेकिन बी कैटेगरी में शायद उसे कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। सी कैटेगरी में और भी कम कर देंगे, कॉमन बाथरूम होगा, इतना इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज नहीं है, लेकिन जेल खाना में तो जेल ही खाना है, तो सबको ही चाहता है कि जेल खाना से निकलने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फिर वहां से फ्रीडम चाहता है। इसलिए मेटल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए प्रिजन हाउस, जीवज आर द प्रिजनर्स बाउंड बाय द रोप्स ऑफ थ्री मोड्स ऑफ मेटल नेचर, एंड दुर्गा देवी इज इंचार्ज, दुर्गो का इंचार्ज दुर्गा। तो ये मेटल वर्ल्ड को एक दुर्ग बोलते हैं, क्योंकि दुर्ग से निकलना, जेल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, तो ये दुर्ग से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको जो दुर्ग बोलते हैं मेटल वर्ल्ड को, और उसका इंचार्ज को है जेलर को, जो जेलर बोलते हैं उसको दुर्गा देवी, जेलर ऑफ दिस मेटल वर्ल्ड। एंड इनको सेवा मिला है कि इन लोग को पनिशमेंट दो, भगवान इनको सेवा दी है कि जो कैदी लोग को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि कैदी लोग पनिशमेंट होगा या जेल में रहेंगे और ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा, तब उनको पता चलेगा कि मैं कैसे पनिशमेंट से निकलूंगा, मेरे को पनिशमेंट कैसे नहीं होगा, वो सोचेगा, तो तब वो सोचेगा कि मैं यहाँ से निकला जाऊंगा। तो नहीं तो जब तक इसमें मेटल वर्ल्ड में भी सारे फैसिलिटी अच्छा रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तब लोग सोचेंगे कि हमको यहाँ से जाने का क्या जरूरत है। इसलिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत एक क्रिश्चियन गए थे कहीं पे लोगों को प्रीचिंग करने के लिए गांव में, तो वहां पे जाके देखते हैं कि वो गांव में सारे लोग को बहुत सारे दारू पीते हैं, तो एक फैमिली में जाके पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम दारू क्यों पीता है, दारू पीने से ये पाप है, महापाप है, तो आपको जाना पड़ेगा नरक में जाना पड़ेगा। तो नरक में जाना पड़ेगा कोई बात नहीं है, तो मेरा भाई भी दारू पीता है ना, वो भी नरक जाएगा, न मेरा पिताजी दारू पीता है वो भी नरक जाएगा, तो मेरा सोसाइटी में सबको ही तो पीते हैं, तो सबको ही नरक जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको ही हमारे साथ में रहेंगे, तो हमको क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, इवन द मेटल वर्ल्ड जेल में है, लेकिन हम सोच रहे हैं सबको ही तो सफर कर रहा है, तो हम ही सफर करते हैं, या मतलब हम इक्वल टू एवरीबॉडी हम सोच के ही रह जाना चाहते हैं, तो व्हिच इज नॉट ए गुड प्रपोजल, या ये इंटेलिजेंट प्रपोजल नहीं है। तो इसीलिए, और ये जो राजा जो है भगवान कृष्ण है, ये जेल का भी ओरिजिनल मालिक वही होता है, बट ये जेलर को रखा गया है, और जेल का भी मालिक है, और जो क्रिएशन देख रहे हैं सब कुछ का मालिक भगवान ही होता है। एंड इसीलिए, और इसमें मेटल वर्ल्ड में एक चीज जो हमको बंधन में ज्यादा बांधता है, उसका बोलते हैं सेक्स लाइफ। इसलिए कोई मैथुन आगारा, आगारा मीन्स घर है, तो मैथुन आगारा, सो दिस जेल खाना ये सेक्स लाइफ में हम बांध जाते हैं, क्योंकि सेक्स लाइफ में हस्बैंड वाइफ है या अदरवाइज ऑल्सो, उसका बच्चा पैदा होता है, फिर हम उसी में फंसे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, तो इसलिए इसको मैथुनागर बोलते हैं। तो हमारा जो जीव का, जो लिविंग एंटिटी का जो ईगो है, या मैं कौन हूँ, वो जो ईगो है, दैट इज कॉल्ड रियल ईगो। तो रियल ईगो में है कि हम जीव को जो है भगवान का संतान होता है, भगवान का सर्वेंट है, तो इसीलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तत्वता शक्ति भेद अभेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जाई छे अग्नि ज्वाला चाहे चाहे स्वाभाविक कृष्ण तीन प्रकार शक्ति है। इट इज द लिविंग एंड इज कंसिडर पोजिशन टू बी एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, बिकॉज ही द मार्जिनल एनर्जी ऑफ कृष्ण एंड ए मैनिफेस्टेशन साइमल्टेनियसली वन विथ एंड डिफरेंट फ्रॉम लॉर्ड, लाइक ए मॉलिक्यूलर पार्टिकल ऑफ सनशाइन और अ फायर
कृष्णा थ्री वेराइटीज ऑफ एनर्जी, ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। कृष्णा का तीन एनर्जी है, एक तीन टाइप का कैट एनर्जी है, एक इंटरनल पोटेंसी, एक एक्सटर्नल पोटेंसी, एक मार्जिनल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी को बोलते हैं अंतरंग शक्ति, ये राधारणी है। एक्सटर्नल पोटेंसी जो है माया देवी है, जो हम बोले दुर्गा देवी है, और जो हम लोग बीच में जो जीव है उसको मार्जिनल पोटेंसी या तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो हम लोग तट में है, हम चाहने से दुर्गा देवी का कंट्रोल में रहना चाहते हैं या राधारणी का कंट्रोल में रहना चाहते हैं, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। आइदर अंतरंग शक्ति जो कि स्पिरिचुअल है, सब कुछ शक्ति स्पिरिचुअल है, लेकिन हम उनका कंट्रोल में रहेंगे तो भगवान का सेवा में निरंतर रहेंगे और खुश में रहेंगे, लेकिन दुर्गा देवी के कंट्रोल में रहेंगे तो दुख में ही रहेंगे, क्योंकि ये दुर्ग को दुखाड़े बोलते हैं और अश्वसतम दुख का घर है और टेम्पररी है। तो इसीलिए जीव को चाहिए ओरिजिनली जैसे था, फिर यहाँ से निकल के फिर दुर्गा देवी से निकल के राधारणी का अंदर में जाना है। तो ये हमारा इंटरनल पोटेंसी को जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। तो इसीलिए ये तीन टाइप का एनर्जी बोलते हैं। और हम लोग नित्य दास है, ये पोजिशन को भूल गया और इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहा, तभी हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो राधारणी जो कृष्णा ने इसलिए दुर्गा देवी जी को ये पावर दिया है कि ये आप लोग आप उनको त्रिशूल में तीन टाइप का दुख दे दो, जैसे अधिभौतिक आध्यात्मिक आदिदैविक दुख दे के कष्ट देने से वो फिर निकल के बाहर जाना चाहेगा जहाँ पे भी सुख है। तो इसलिए इनका ये थैंकलेस जॉब है। तो माया देवी इनका कौन माने हम लोग को जो पनिशमेंट देते हैं तो ये उनका थैंकलेस जॉब बोलते हैं। इसलिए तो इसलिए कभी कभी और एक एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं, जैसे एक फिल्म में देखिए, फिल्म में एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलियन है। तो समटाइम्स ये विलियन आजकल भी कोई कोई फिल्म में विलियन जो है वो टेम्पररी विलियन है, वो हीरो विलियन को भेजता है कि हीरोइन को थोड़ा तंग करने के लिए। तो ये तंग करने जब तक उसको तंग करेगा तब हीरो जाके पहुंच जाता है और ये विलियन को हटाता है और उसके बाद में हीरोइन को लेके आ जाता है, या हीरोइन हीरो का जो प्यार में आ जाता है। तो इसीलिए ये हीरो है कृष्ण है और हीरोइन जो है हम लोग है और जीव है, और जो विलियन है ये दुर्गा देवी है। तो ये दुर्गा देवी विलियन है तो उनको भगवान ने हीरो ने भेजा है हम लोग को पनिशमेंट देने के लिए। तो पनिशमेंट देने से हम सोचेगा एटलीस्ट ये कहाँ जाएंगे जहाँ पे खुशी है, तो कृष्ण आके हमको उद्धार करेंगे। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, शास्त्र का माध्यम में हम पढ़ के गीता भागवत श्रवण करके और एक गुरु का गाइडेंस में उसको श्रवण करने से ही समझ सकते हैं, तब भगवान के लिए हमारा प्यार बढ़ जाएगा, तो हम फिर दोबारा भगवत धाम जा सकते हैं। तो दिस इज द मटेरियल एग्जाम्पल फ्रॉम फिल्म, वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड हाउ दिस जीवो ही कैन गो बैक टू कृष्णा अगेन। और जो हमारा दो टाइप का ईगो है, एक रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो। हम कौन है, दैट इज रियल ईगो ही, मैं जीव हूँ, जो जीव भगवान का एक एनर्जी है और पार्ट एंड पार्सल है, और उनका साथ में हमारा संपर्क है कि मैं दास या उनका सेवक हूँ। लेकिन यहाँ मेटेरियल वर्ल्ड में आने के बाद में ये रियल ईगो चेंज होके फॉल्स ईगो में आ जाता है। तो ये मेटेरियल पहले भगवत धाम में था, रियल ईगो हम लोग था, यहाँ पे फॉल्स ईगो आ गया। फॉल्स ईगो किस लिए आ जाता है, क्योंकि जो मेटेरियल वर्ल्ड है यहाँ पे जैसे हम बोला कि बारिश का पानी प्योर होता है, लेकिन जो आता है मिट्टी के साथ में टच में आता है तो वो मडी हो जाता है। इसलिए हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है कि हम जीव जो है भगवान का संतान है, इसको पता रहता है। लेकिन यहाँ पे मेटेरियल वर्ल्ड में टच में आने के लिए माया में जाल में फंस जाता है, तो सोचता है मैं ही इंडिपेंडेंट हूँ एंड मैं ही सबका मालिक हूँ। तो इसलिए मी एंड माई टेंडेंसी आ जाता है, अहम मम। अहम मीन्स I am the proprietor of everything। जैसे कृष्णा सबका मालिक है, हम भी सोचते हैं कि हम सबका मालिक हूँ। और मम जितना भी चीज देखा गया है ये भगवान का है, लेकिन हम सोचते हैं मेरा है, मेरा एंजॉयमेंट के लिए बना है, मेरा खुशी के लिए बना है और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो ये जो दो टाइप का डिविजन फॉल्स ईगो का है, इसको बोलते हैं अहम मम। अहम मम, अहम मीन्स आई एम द प्रोपर्टर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड फॉर माई एंजॉयमेंट। तो ये एग्जाम्पल देखिए, रियल ईगो कन्वर्टेड टू फॉल्स ईगो। Originally rain water is pure, but when it comes in touch with the ground, it becomes muddy. Similarly, soul is originally pure, but in contact with material nature, it develops false ego. The material world is a place for purification of the false ego into real ego. यहाँ पे जेल खाने में आते हुए फिर ये false ego को हमको change करना पड़ेगा। इधर से मायादेवी हमको उनका त्रिशूल से दुख देंगे और उसके बाद में उधर से कृष्णा जो हीरो है वो आते हैं, नहीं तो उनका जो भक्त को भेजते हैं तो समझाने के लिए। इधर से कष्ट देते हैं, उधर से समझाते हैं कि आइए यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस है, जो आपका ओरिजिनल प्लेस है, आपका गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम है,
वहाँ पे आपका लिए एक एक बड़ा बड़ा फ्लैट, सब फ्लैट नहीं है वहाँ पे, इंडिपेंडेंट हाउसेस है, बंगलो है। तो हमारा ओरिजिनली बंगलो वहाँ पे है, लेकिन हम उसको छोड़ के इधर आ गया। तो इसलिए भगवान जो भक्त को भेजते हैं समझा के, फिर उसको बाद में वही बंगला को रिटर्न करके लेके जाते हैं। तो चिंतामणि प्रखर सदमस, तो वहाँ पे भगवत धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो वहाँ पे ये सारे चीज जो मड पड ये कुछ नहीं है, चिंतामणि जैसे स्टोन है उसमें उनका रास्ता बना रहता है, या जो घर है वो ये ऑर्डिनरी नहीं, उसमें बहुत सारा ज्वेल्स लगा रहता है। तो ये चीज इस टाइप का सुनेगा तो बोलेगा ठीक है मैं यहाँ पे क्यों रहूंगा, मेरे लिए तो ऑलरेडी मेरा ओरिजिनल प्लेस वहाँ पे मकान रखा गया है ऑलरेडी, मैं भूल के आ गया, चलिए रिटर्न करते हैं। इसीलिए कभी कभी राजा का जो राजपुत्र छोड़ के चला जाता है, राजा फिर उसको सैनिक को भेजते हैं समझाने के लिए कि आप जाओ उनको समझा के फिर हमारे पास में रिटर्न करके ले जाओ। इसी टाइप का एक आदमी एक बार उसका घर से निकल के चला गया था गुस्सा होके, और जाके रात में एक जगह में एक छोटा सा होटल में रहा था, लेकिन उसके पास में कुछ पैसा नहीं था, लेकिन होटल मालिक उसके लिए खाना पीना सब कुछ व्यवस्था किया। और जब सवेरे हुआ फिर वो निकलना चाहा कि बोला मेरे पास में पैसा नहीं है, तो हम जो अकाल खाया और रहा इसके लिए क्या कैसे मैं पेमेंट करूं कि हमारे पास में तो पैसा नहीं है। तो ये होटल का मालिक या इन का मालिक वो बोलता है कि ऑलरेडी आपका फादर या आपका मदर है, आपके लिए कुछ पैसा पहले से भेज दिया था कि जानते थे इस रास्ते में हो जाएगा, तो ये होटल में रहेगा रात में, तो पैसा इसलिए भेजा था। उसके बाद में इसलिए उसको पता चलता कि मेरा पिता और माता हमारे लिए कितना सोचता है। तो इसलिए जो बेटा या बेटी जब बाप बनते हैं तभी पता चलता है कि पिताजी माताजी का क्या प्यार है। इसलिए हमारा जो सुप्रीम पिताजी है कृष्णा है वो हमको कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम उसको प्यार को ठुकरा देते हैं और उनका बाद में आ जाते हैं, हम ये मटेरियल वर्ल्ड में छड़ा रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको दुख होता है क्योंकि पिताजी कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी दुख में रहे। तो इसलिए अगर वो मेरे पास में रहे खुश में रहे तो मेरे को खुशी लगेगा। तो भगवान तो इंडिपेंडेंट है, फिर वो आत्मा राम है, वो खुश में रहते हैं फिर भी वो दुख करते हैं, इसीलिए दुख करते हैं, हमारे लिए दुख होता है उनको क्योंकि मेरा बेटा बेटी मेरे को छोड़ के चला गया, वो दुख में पड़ा हुआ है। तो आज अगर रिटर्न करके आ जाएगा इसीलिए वो भेजते हैं, खुद आते हैं नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, शास्त्र माध्यम में हमको समझा के गुरु हमको फिर उनका पास में लेके जाते हैं। तो ये जो पिताजी का हमारा जो प्यार है हमारे लिए हम भूल गया है, और ये प्यार को हमको रिवाइव करने के लिए ये जो दुर्गा देवी एक तरफ से कष्ट देते हैं और दूसरा तरफ से गुरु आके हमको समझा के उनका पास में लेने की व्यवस्था करते हैं। दोनों का रोल सेम है, एक नेगेटिव रोल में हमको पॉजिटिव कराते हैं, दूसरा डायरेक्टली पॉजिटिव रोल में है। तो इसलिए ये जो है हमको समझना पड़ेगा। तो द मटेरियल वर्ल्ड इज अ प्लेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ पॉलिसी को इन रियली को, तो हमारा जब रियली को हमको पता चल जाएगा मैं जीव मैं भगवान का संतान हूँ तब हम भगवान भगवत धाम जा सकते हैं, जब तक मैं वो भूल गया तब तक नहीं जा सकते। और भगवान के साथ में जो हमारा जो रिलेशनशिप हम डिस्कस किया था, तो हम भगवान के साथ में पांच टाइप का रस या रस में रिलेशनशिप है। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। तो शांत रस मीन्स न्यूट्रलिटी, जैसे हम बोल डिस्कस किया था कि हम लोग कैन अप्रिशिएट लॉर्ड बट वी कैन नॉट डायरेक्टली सर्व लॉर्ड, तो लाइक काउज ऑफ दिस वृंदावन स्टिक, भगवान का हाथ में जस्टी है, ट्रीज इन गोलक वृंदावन, ये लोग भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, हमको प्यार करते हैं, लेकिन डायरेक्टली भगवान सेवा नहीं कर सकते जब तक कोई उनको लेकर भगवान सेवा नहीं लगाता है। दास्य रूप में सर्विट्यूड, हम लाइक हम भगवान का दास है, तो लॉर्ड हनुमान लाइक ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम, उस टाइप का सर्विस करते थे। साख्य रस फ्रेंडशिप, तो अर्जुन श्रीराम एंड सुदामा मधुमंगल, ये सब फ्रेंड है, और भी बहुत सारे है। तो वात्सल्य रस में पेरेंटल में नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव, देव की, ये उनको ये लोग पिताजी थे भगवान का, पिता माता है, उनको सेवा करके खुश करते हैं। और माधुर्य रस में कंजुगल रम में श्रीमती राधारानी एंड अदर गोपीज, ये जो है, इसलिए माधुर्य रस इज अबव ऑल द रोसेस, वात्सल्य रस इज अबव साख्य दास्य शांत, साख्य रस इज अबव दास्य शांत, एंड दास्य रस इज अबव शांत। तो इसलिए एक रस जो हायर रस है उसके अंदर में सारे रस आ जाता है, नीचे जितना रस है। तो इसीलिए हाईएस्ट रस में क्या होता है माधुर्य रस में, जैसे राधारानी, देखिए हमारे एग्जाम्पल मेटेरियल एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा वाइफ कैसे हस्बैंड का सेवा कर सकता है, तो वाइफ माधुर्य रस में रह सकता है, हस्बैंड का प्यार कर सकता है, दूसरा में वात्सल्य रस में, कभी कभी हम लोग टायर्ड होकर आएंगे तो वो हमारा हमको भी दूसरा ढंग से प्यार कर सकते हैं, थर्ड में कभी कभी सखा जैसे है, फ्रेंडशिप जैसे है, हमको एडवाइस दे सकते हैं, हम लोग कुछ कभी कभी वाइफ से पूछते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो दास्य इस रस में हम हमारा भी सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए शांत में न्यूट्रलिटी भी रह सकता है। सिमिलरली ये जो एग्जाम्पल है ये मटेरियल लाइफ का एग्जाम्पल है, तो भगवान के पास में गोपी लोग और राधारानी इस टाइप का माधुर्य रस में रहते हैं, हाईएस्ट रस है,
ऑफ कोर्स हाई स्ट्रेस होने से और दूसरा कम होने से कम ज्यादा नहीं है, इन दी वन सेंस इज दैट ये सिमिलर है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए माधुरी रस का हाई स्ट्रेस है। तो दास्य इज कॉमन फॉर ऑल अदर रसद, सबका साथ में दास्य रस होता है, क्योंकि दास्य ऊपर में साक्ष्य है तो उसमें भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, माधुरी में भी दास्य है, तो ये सब हायर रस में ये सब रहता है। तो दास मीन्स हम जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो ये कॉमन से कॉमनिटी है। इस पांच मेन रस को छोड़ के ये प्राइमरी रस बोलते हैं, सेवन सेकेंडरी रस इज देयर, उसको बोलते हैं कि ये बीच बीच में ये निकल के आता है ये रस, ये भाव, जैसे रुद्र रस मीन्स एंगर, अद्भुत मीन्स वंडर, वीर रस चिवलरी, दया रस मर्सी, भयानक हरर विवश शॉकिंग, तो ये जो बीच बीच में है हमारा प्राइमरी रस तो पांच रहता है, उसी से कोई भी रस में रहते हैं, लेकिन उसका साथ में ये एंगर भी आ सकता है। तो भगवान को भगवान कभी कभी अब कभी कभी भक्त भी भगवान के ऊपर में गुस्सा हो जाता है तो आउट ऑफ लव, तो इसलिए ये अंगर रस में है। जैसे वीर रस में जैसे भगवान चाहते हैं किसी लड़ाई करने के लिए भीष्मदेव इसलिए अपोजिट पार्टी में रहे, ये तो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो वीर रस में थे कि हम भगवान का भाई भगवान को फाइट करके खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सब समय नहीं चाहते हैं कि मेरे को सबके खाली अच्छा से बात करे, हम भी चाहते हैं किसी से लड़ाई करने के लिए, तो लड़ाई करने के लिए भगवान किससे लड़ाई कर सकते हैं, तो भगवान उसका भक्त के साथ में लड़ाई करते हैं, क्योंकि भगवान दूसरा के साथ में संपर्क डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो दया रस मर्सी रस है, भयानक हर रस, तो इस टाइप का विभत्स शॉकिंग, ये सब सेकेंडरी रस है जो कि प्राइमरी रस का अंदर में बीच बीच में आ जाता है। तो बीच में हम लोग एक रस में रहते हैं प्राइमरी रस में, और ये सात रस में कभी कभी कोई एक एक रस आ सकता है। तो रिगेनिंग और रियल ईगो, तो हम लोग जो थ्री टाइप ऑफ दुख दुर्गा देवी दे रहे हैं, आध्यात्मिक दुख जो कि ड्यू टू हमारा बॉडी एंड माइंड एंड अपना तरफ से आता है, अधिभौतिक बिकॉज ऑफ दिस मिजरी इन्फ्लिक्टेड बाय अदर लिविंग एंटिटीज लाइक मॉस्किटो बाइट कर दिया, कोई स्नेक बाइट हो गया, तो इस टाइप का पड़ोसी हम लोग को दुख दे दिया, तो आधिदैविक दुख है जो कि मटेरियल माने लाइक डिफरेंट देव और डेमिगॉड्स हमको देखते हैं, लाइक अभी काफी बारिश हो रहा है, कभी काफी गर्मी होता है, कभी भूमिकंप हो जाता है, तो ये सब चीज जो है देवता लोग से आता है, लेकिन ये सारे दुख हमारा कर्म का फल होता है। तो ये तीन दुख का छोड़ के भी हमारा और चार टाइप का दुख है, उसको बोलते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो जन्म भी बहुत कष्टदायक होता है, मृत्यु भी और भी कष्टदायक होता है, और बीच में जरा या वृद्धापा ये सब डिजीज कंडीशन ये बहुत डिफिकल्ट होता है, देता है हमको दुख देता है। तो ये तीन और चार टोटल सात टाइप का मिजरी होता है। तो इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड दुर्गा देवी गिव्स अस थ्री फोल्ड मिजरी एंड साइमल्टेनियसली लॉर्ड सेंड्स स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे हम बोले गुरु को भेजते हैं टू एनलाइटन द लिविंग एंटिटी अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो तुम भगवान का संतान है, तुम भूल गया, तुम आ जाओ फिर द्वारा, दस दस द लिविंग एंटिटी रियलाइज इज ओरिजिनल पोजीशन एंड देन एंगेजेस एंगेज इन सर्विंग ऑफ लॉर्ड, इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि मीन्स हम ओरिजिनल कौन सा रस है, प्राइमरी रस पांच रस है, कौन सा रस में दास्य रस में है, साख्य रस में है, पता नहीं पहले, तो इसी ने पहले दास्य हिस्से में सभा करते करते हम जब ओरिजिनल पोजिशन को हम रिवाइव कर सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हम वात्सल्य रस में थे पहले, तो अभी भूल गया था, फिर अभी वात्सल्य रस रिवाइव हो गया, तो इसलिए बोलते हैं उसको स्वरूप सिद्धि, ओरिजिनल रस में आ जाने का बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हमारा इस टाइप का भगवान का सेवा दास्य का हिसाब से करते जाएंगे तो प्यूरिफाई होने के बाद में हमको ओरिजिनल सेवा पोजीशन हमारा क्या है पता चलेगा, तो दैट इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि। तो अभी देखते हैं हम लोग जो भगवान के साथ में हमारा रियल ईगो था पोजीशन है कि मैं उनका दास हूँ तो उनसे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अभी क्या हुआ मेरा वो प्यार चेंज हो गया, मैं दूसरा का माया का प्यार में आ गया, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि मेटेरियल डिजायर जो आ जाता है, क्यों भगवान के साथ में रहेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल डिजायर है, हम उनको छोड़ के स्पिरिचुअल डिजायर मीन्स मैं भगवान का सेवक हूँ उनका सेवा करूँ, तो जो मेटेरियल डिजायर है कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उनको मैं मेटेरियल नेचर जो बना हुआ है ये मेरा एंजॉयमेंट के लिए है, तो इसीलिए ये लस्ट जो है मेटेरियल डिजायर है जो कि लव का जस्ट अपोजिट होता है। तो लव इज जस्ट सरेंडरिंग टू कृष्ण एंड लविंग हिम, लस्ट इज अपोजिट फ्रॉम कृष्ण, आई वे फ्रॉम कृष्ण एंड एंजॉयिंग दिस मेटेरियल वर्ल्ड, तो इसको बोलते हैं लस्ट। तो लव एंड लस्ट इज अपोजिट टू इच अदर, तो लस्ट मीन्स मेटेरियल डिजायर, तो लव इज स्पिरिचुअल डिजायर दैट लविंग सर्विस टू लॉर्ड लॉर्ड और भक्ति इसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये कैसे होता है, हम लोग कोई भी एक मेटेरियल चीज के ऊपर में एंजॉय करने के लिए ध्यान करते हैं, तो इसलिए ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामत क्रोध भी जायते, तो हम लोग अगर कोई मेटेरियल चीज का कोई एंजॉयमेंट करने के लिए चाहते हैं, तो हमको कोई अच्छा लड्डू दिखा हम लोग उसको खाना चाहेंगे,
लेकिन हो सकता है कि वो लड्डू हमारा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो हम लोग क्या सोचेंगे इसके लड्डू कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे। हो सकता है जाके वो लड्डू को चोरी करके ले आएंगे, नहीं तो किसी से चोरी करके पैसा लेके उस लड्डू को खरीद लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिमिलरली कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये कंटेम्पलेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, कोई एंजॉयमेंट सब्जेक्ट को हम उसको एंजॉय करने के लिए, कोई भी चीज को खाने के लिए, सुनने के लिए, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, कोई सेक्स लाइफ है, तो इसलिए कंटेम्पलेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा अटैचमेंट आता है, तो ये ध्यान करने से विषय का प्रति हमारा संग अटैचमेंट उपजाते हैं, मीन्स अटैचमेंट आ जाता है। और संगत संजाते कामा, अटैचमेंट से हमको लस्ट अब मटेरियल डिजायर डेवलप और भी करता है, और लस्ट अगर फुलफिल नहीं हुआ तो फिर हम चोरी करना चाह रहे, चोरी नहीं कर पाया वो लड्डू को, पैसा भी नहीं है, तब क्या होगा, हम गुस्सा हो जाएगा, तो इसलिए एंगर आ जाता है। और क्रोधत, उसके बाद में एंगर से क्या होगा, क्रोधात भवति सम्मोह, हमारा जो डिल्यूजन आ जाएगा, क्रोध से एंगर से डिल्यूजन होगा, और सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, हमारा स्मृति में मेमोरी लॉस हो जाएगा, हम नहीं जानेंगे हम कौन है, हम गुस्सा आ जाएंगे तो भूल जाते हैं हम कौन है, तो उसके बाद में हमारा डिल्यूजन होकर हम स्मृति भ्रष्ट हो जाता है, और स्मृति भ्रमसात बुद्धिनाश, देन हमारा इंटेलिजेंस भी खो जाता है, हम जो गलत काम कर बैठते हैं, इसलिए बुद्धिनाश प्रणशति, देन अगेन वी फॉल डाउन। तो ये जो आठ लेवल का फॉल डाउन है, ये गीता का 2 अध्याय का 62 और 63 श्लोक में बताया गया है। तो लॉस्ट इज इन द मोड ऑफ रजोगुण, जो तीन लव इज सत्वगुण, या भगवान के लिए लव जो है शुद्ध सत्व होता है, और नॉर्मल जो अगर लव भी बोलते हैं तो मटेरियल वर्ल्ड का, वो शुद्ध गुण सत्व गुण में है, और जो रजोगुण में पैशन या लॉस्ट है, और शुद्ध सत्व में लव हो गया। तो ये जब हमारा रजोगुण में हम रहते हैं फिर ये फुलफिल नहीं होता, तो हम नीचे गुण में चला जाते हैं, एंगर आता है, एंगर ही तमोगुण का है, तो इसीलिए हमको तमोगुण से बैक करना है, तो फिर रजोगुण को जाके फिर सत्वगुण को जाना है, फिर सत्व से शुद्ध सत्व को जाना है, तो सत्वगुण का ऊपर में शुद्ध सत्व प्योर गुडनेस, इसमें कोई भी रज तमोगुण मिक्स नहीं है, वो शुद्ध है सत्व, तो इसीलिए भगवान का सेवा जो भगवान का प्यार करना है वो शुद्ध सत्व में होता है। तो हम लोग जो मेटेरियल डिजायर है वो लॉस्ट है, वो अगर लव में कन्वर्ट कर देंगे तो फिर हम हायर लेवल में जा सकते हैं, सत्व गुण से शुद्ध सत्व को जा सकते हैं। तो रजोगुण इज लॉस्ट है, तो एंगर इज तमोगुण, तो हम एंगर से लॉस्ट को आना है या लॉस्ट से ऊपर जाना है लव को, तो शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कैसे करना पड़ेगा, भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है रह के उनका सेवा करेंगे, हमारा ये सब मेटेरियल डिजायर कन्वर्ट होके स्पिरिचुअल डिजायर हो जाएगा, तो उसका बाद में हम लव में जा सकते हैं। If we fall under the dictation of Lord, then we can continue. We'll continue in our cycle of birth and death. Janma mrityu jara vyadhi cycle mein rahenge. But if you render devotional service to Lord, Bhagwan ka sath mein seva karenge, to under the guidance of bona fide spiritual master, kyunki hum seva jante nahi kaise karna padta hai, to Gurudev ka guidance mein ye seva karna padega. And then we get established in our original position as a servant of Lord Krishna. Otherwise, hamara janma mrityu jara vyadhi is chakkar mein chalna padega. Srila Prabhupada is that person who has given us this भगवान उनको भेजे हैं हम लोग को उद्धार करके उनका पास में लेके जाने हैं। तो इसलिए दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज जस्ट लाइक ए गुड बोट, बहुत अच्छा वैल्यूएबल बोट है, और इसका स्पिरिचुअल मास्टर हमारा जो है गुरुदेव है, ये कैप्टन होते हैं ये बोट का, एंड टू गाइड द बोट इन एंड फ्लाइंग अक्रॉस द ओशन ऑफ नेशंस, ये अंधकार का तमिश्रा में हम लोग फंसे हुए हैं, ये ज्योति तरफ हमको लेके जाता है, तो लाइट का तरफ जाते हैं, जो कृष्ण लाइट है, कृष्णा इज नॉट लाइट, उनसे निकलता है लाइट है, तो ब्रह्म ज्योति, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड है। तो बाय द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, एंड हमारा जो ह्यूमन लाइफ को इतना अच्छा से यूज करें जैसे कि हम भगवत धाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो इसीलिए ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है इससे निकलने के लिए भगवान ने प्रकृति का अरेंजमेंट किया, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट का व्यवस्था किया, लेकिन एक्चुअली एंजॉयमेंट नहीं है, वो दुख का घर है, कारागार है, मूर्छनागार है, यहाँ से निकल के फिर भगवत धाम जाने की व्यवस्था भगवान गुरु का माध्यम है, शास्त्र का माध्यम है करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी कैन रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशनशिप व्हिच वी हैड विथ लॉर्ड, वी हैव विथ लॉर्ड, बट वी हैव फॉरगॉटन इट, वी कैन कंटिन्यू अगेन बैक टू हिम बाय लविंग सर्विस टू हिम अंडर द गाइडेंस ऑफ बोना फाइड स्पिरिचुअल मास्टर। थैंक यू।
the presentation. Time is up also, 7:51. So, anybody wants to share something? Hare Krishna Prabhu. My humble wishes to all the devotees. So, today's class is very, very nice in explaining the real cause of miseries and what is our desire and why we are suffering, the root cause actually, that we have desire to just be the controller, and why we want to be the controller, that cause also given, that Raja ka beta jo hai, wo bhi Raja banna chahta hai, bhale hi usko dukh mile, वो समझ नहीं पाता है कि राजा उसको कितना प्यार करते हैं. तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड एंड द वे टू गेट आउट ऑफ इट आल्सो. सो ये जो सर्विस है दैट इज एक्चुअली प्योर, ये शुद्ध सप्त गुण में आता है, जो वो दूसरों को एक्चुअली विदाउट एनी माइजरली वीकनेस वो क्या करता है कि दूसरों को भी इस जो जन्म मृत्यु चक्र का जो संसार है, जो भूत प्रकृति का जो संसार है, उसमें से कैसे निकले. और जो मेन चार विपत्ति है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और जन्म रहेगा, तो ये आगे बाकी तीन रहेंगे. और उसके साथ में ये जो तीन मिजरीज आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये दुख आएंगे आएंगे ही आएंगे. इसमें मतलब जब तक हम भूत प्रकृति का जीव का शरीर में है, मेटेरियल मतलब मड़, तो ये मड़ का शरीर में हम लोग जब रहेंगे तो तब तक हमको दुख मिलेगा. लेकिन ये हमारा डिल्यूजन है कि उसी शरीर से हम एंजॉय करना चाहते हैं, अपना सेंस एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, जो हाईएस्ट होता है जो सेक्स एंजॉयमेंट, उसमें से भी वो चीज हम मलमूत्र जहां से निकलता है उसी चीज में हम लोग डूबे रहना चाहते हैं, ये बहुत दुख की बात है. तो ये जो शास्त्र हमको ये समझाता है कि क्या चीज शुद्ध सत्व है और हम लोग किस किसके ओर जाना चाहिए, ये समझाते हैं. जैसे कि भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को बहुत अच्छा से समझाया, पूरा गीता फिनिश हो गया फिर भी वो बोले कि आप अभी समझ गए हो तो आपका क्या कर्तव्य आप खुद कर सकते हो. वैसे ही हम लोगों को ये तो शुरू हो रहा है और आगे पूरा 18 अध्याय तक चलेगा, और होप करता हूँ कि ये अच्छे से जाएगा और हम लोग पूरा क्लियर होंगे और उसके ऊपर में अमल भी करेंगे प्रैक्टिकली. हरे कृष्ण प्रभु. हरे कृष्ण. Anyway, जो आगे तक जाएगा भगवान गुरुदेव का ब्लेसिंग से ही हो सकता है, बिकॉज वी डोंट नो, बट वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट एज ए सर्विस टू गुरु एंड कृष्णा. तो हमारे प्रभु ने बोला है तो इसलिए हम थोड़ा इसको ट्राई कर रहे हैं. सबका सहयोग से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं गुरुदेव का कृपा से. तो सेकेंड चीज है कि टुडे इवनिंग देयर इज ए क्लास ऑफ 7:30 इन अनदर ग्रुप. इफ यू वॉन्ट टू जॉइन आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो ऑन दैट गुरु तत्व. सो आई विल ट्राई टू have some discussion on Guru Tattva. So if anybody is interested, I will say that is in a separate group, so that link I will also share you. And if before that you want to have any classes, so I am ready as a servant. So a separate class also can be done from 6:30 to 7:30, and if you want. Otherwise, that 7:30 class is another group class is there on Guru Tattva. So because these are very important topics, इसको जितना बार भी सुने हैं इसको clear होना चाहिए. तो और सुनने से ही हम लोग को उसके बारे में अटैचमेंट आता है. तो जैसे ध्यान तो विश्वन पुंसा इस टाइप का, हम बार बार उसी चीज को ध्यान करेंगे तो हमको उससे उस चीज के लिए भगवान के लिए भक्त के लिए हम अटैचमेंट आता है. उनका क्वालिटी सुन के उनका बारे में बार बार श्रवण करते हुए अटैचमेंट आता है. थैंक यू. नितेश, यू वांट टू शेयर समथिंग? हरे कृष्ण. बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, सब एग्जांपल दिए. एक चीज पूछना था, जो इंटरनल पोटेंसी एक्सटर्नल पोटेंसी और मार्जिनल पोटेंसी बोले, इंटरनल मीन्स राधा राधे, एक्सटर्नल दुर्गा, मार्जिनल पोटेंसी में क्या आएगा प्रभु जी?
भगवान का एनर्जी है ना, मोमाई बन सकती बोल तो हो गया, और उसकी एनर्जी जो भी आप देख रहे हो भगवान का एनर्जी है, मार्जिनल पोटेंसी, मार्जिन मींस बीच में है, उसका एक्चुअली रहना चाहिए था दुर्गा देवी का, सॉरी कृष्णा जो राधारानी का कंट्रोल में रहना है, उनका माध्यम में सेवा करना है, लोग नहीं करते तो लिखले भगवान इसलिए जेल खाना भेजते हैं जहाँ की दुर्गा देवी इंचार्ज है, यहाँ कष्ट देते हैं फिर हमको कष्ट से निवृत्त करने के लिए सोचते हैं, तभी हम भगवान का बारे में फिर सोचते हैं, गुरु भेजते हैं, गुरु भगवान भेजते हैं गुरु को, फिर गुरुदेव हम लोग को उनका पास में लेके जाते हैं, माया देवी जो दुर्गा देवी ये विलियन है। तो प्रभु जी तो जितना आदमी सब है तो सब लोग क्या मार्जिनल पोटेंसी में आएगा क्या? वन टाइप ऑफ ये टाइप कैटेगरी है, इस टाइप में सबको ही आते हैं। अच्छा, और एक चीज पूछना था प्रभु जी, जैसे आध्यात्मिक जो रियल ईगो को जो रिगेन करते हैं तो आध्यात्मिक में तो जो मिजरी इज माइंड एंड बॉडी से आता है, फिर अधिभौतिक में दूसरे के कारण जो आता है, और अधिदेविक मींस अधिदेविक का प्रभु जी एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ सकते हैं आदि आध्यात्मिक आत्मा मींस सेल्फ ड्यू टू बॉडी माइंड एंड सेल्फ के लिए जो आता है, आदि भौतिक भूत अभूत प्राणी कोई लिविंग एंटिटी से हमको आता है, दूसरा कोई स्नेक हो गया, कोई आपको अटैक कर दिया, कोई मच्छर भी काट दिया, कुछ भी दूसरा कारण से आ जाता है उनसे, जितना प्राणी से देवता कोई भी देवता है, तो हम लोग को जो इतना गर्मी हो रहा है, बारिश हो रहा है, इंद्रदेव बारिश कर रहे हैं और भूमिकंप हो रहा है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेमिगॉड्स का कंट्रोल में है ना, इसको दे रहे हैं जी, लेकिन सारी चीज जो है कर्म हमारा है, हमको जो कष्ट मिलता है बिकॉज ऑफ हमारा कर्म है, लेकिन ये लोग मीडियम है, माइंड ये भी हमारा मीडियम है, हम दूसरा हम गलत कर्म किया था इसीलिए हमको इस टाइप का शरीर मिला है जो कि कष्ट देता है या रोगी रहता है सब समय, हमको इस टाइप का कर्म किया इस जगह में पड़ा है जहाँ पे मेरा पड़ोसन मेरे से लिए बहुत प्रॉब्लम कराता है, तो ये बिकॉज ऑफ मेरा कर्म है, वो पड़ोसन मेरा माने ये नहीं है, दुश्मन नहीं है, वो दुश्मन नहीं है आपका, तो वो मीडियम है, okay. हमारे थोड़ी दुश्मन है, वो तो भगवान का की भक्ति करते हैं, तो लेकिन हमको वो उनको कष्ट देने के लिए, क्योंकि हम जितना कर्म है उसी हिसाब से, एक जगह में भूमिकंप होता है दूसरी जगह में नहीं होता है, तो क्यों होता है, एक जगह में ज्यादा गर्मी होता है एक जगह में नहीं होता है, तो सपोज एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है हम उस जगह में क्यों रहा है, हम रहा इसलिए हमारा कर्म है, इसलिए मेरे को सफर करना पड़ रहा है, समझ रहे हो ना जी जी जी, और कष्ट भी इसीलिए देते हैं ताकि दुर्गा देवी को बोलते हैं कष्ट देने ताकि वो भगवान के पास जा सके, जैसे पिता अपने मतलब पुत्र से तो प्रेम करता है, एग्जांपल हीरो जाके प्रेम भेजता है ना, जा उस तरह लड़की को छेड़ दो कॉलेज से आ रहा है तो छेड़ दिया, फिर उसका सब स्थाई में वो हीरो जाके पहुंच जाता है उसको सेव करने के लिए, फिर उसका प्यार में पड़ जाता है हीरो का, यही होता है जी जी, थैंक यू प्रभु जी, अच्छे समझ में आया, और ये भी समझ गया कि लव और लस्ट का जो था एक मटेरियल, लव जो है स्पिरिचुअल डिजायर है और लस्ट जो है मटेरियल डिजायर है, मटेरियल डिजायर रजो गुण के तरफ पैशन उधर लेके जाता है, और जो लव मतलब प्योर मतलब जो स्पिरिचुअल डिजायर है वो शुद्ध सत्व जो प्योर गुडनेस है उधर लेके जाता है, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। एक चीज और पूछना था कि मतलब डेली इसी लिंक में होगा क्लास, क्या कल क्लास कल? अरे पहले डिस्कस किया था, आप लोग सुने नहीं क्या, एक ही लिंक होता है ना इसमें, मेरा लिंक दिन हम नहीं कर पाएंगे तो आचार्य प्रभु को बोलेंगे जिसको भी वो उनका लिंक छोड़ेंगे, लिंक होता है ये, आप शुरू से इसी लिंक में ज्वाइन करते हो, इसीलिए कल मैं स्नेहांशु बोला, वो बोला मैं नहीं देखा था छोड़े नहीं थे, मैं बोले यही कॉन्शियसनेस थोड़ा देखो यार, यू शुड बी, एक बार बात हुआ था मतलब डेली छोड़ना ऐसा नहीं है, फिर हम आज छोड़ा इसीलिए क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन है, डेली छोड़ना इसी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसीलिए कल तो कल क्लास हुआ था क्या? क्यों नहीं हुआ, देखा मैं लिंक नहीं आया था इसलिए, सॉरी आएगा, हमारा टाइम कहाँ है डेली लिंक छोड़ने के लिए? नहीं नहीं, आप समझ गया, डेली इसी में होगा, ठीक है, थोड़ा सा समझना चाहिए, समझ के ना समझ रहे तो आप नहीं, अब समझ गया, कल का छूट गया, हरे कृष्णा बोलो जी, जन्मदिन कल तो गलती हो गया तब,
मैं वही सोच रहा था प्रभु जी, हो सकता है दूसरा क्लास आज दूसरे ग्रुप में होंगे सुबह, इसीलिए आज लगता है नहीं। अरे केयरलेस थोड़ी है आप, पता नहीं इतना दिन से आपको पता नहीं चलता है। अरे भाई सिंसियरिटी का कोई लेवल होता है, समझ रहे हो, तो इसका नहीं जरूरत है क्या? फिर यू द सेम लिंग है, मैं बोल दिया था कि ले ली क्लास, यू हैव टू सी दैट वन ओनली। चेंज होगा हम बताएंगे ना, एनी चेंजेस इट विल बी इंटीमेटेड, इफ एनी नो क्लास देन इट विल इंटीमेटेड। डेली क्लास में डेली पता नहीं चलता रहता है, ये इस लेवल पे लैप्सिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हमारे टीचर बोलते हैं। एग्जाम्पल दिए हैं कि आप पानी का ग्लास लेके जाते हो, गिर जाता है हाथ से, बोलते हैं ये ग्लास का 10 रुपया है, मैं 10 रुपये में दूसरा ग्लास खरीद लूंगा, तो वो बोलते हैं बेवकूफ, ये 10 रुपया तुम्हारा थोड़ी है, तुम्हारा कॉन्शियसनेस लैप्सेस हुआ, तुम पानी गिरा दिया और बोलता है कि एक ग्लास टूट गया, बोलता है कि तुम खरीद के दे दोगे, तुम कौन होता है खरीदने के लिए, खरीद सकते हो, भगवान तुमको टेम्पररी दिया है, कृष्ण को कॉन्शियसनेस में रखो बोलते बोलते हैं। ये जो मेटेरियल कॉन्शियसनेस कृष्ण को नहीं रखेंगे तो इस टाइप का ध्यान आएगा, तो आप तो उसको टेस्ट भी कर सकते थे, यू शुड हैव सीन दैट सिंस लॉन्ग द सेम लिंक इज गोइंग, आप देखा है ध्यान नहीं देते, नहीं ध्यान। तो इसीलिए सालों से 4 साल 5 साल 10 साल जो भी है, जितना जब से शुरू हुआ था सेम लिंक मेरा है, तो लेकिन ध्यान नहीं देते हैं और सुन के भी सुन रहे थे कि डेली क्लास होगा, तो फिर आप 7, 15, 20 में एक बार लिंक ज्वाइन कर सकते हो ना, देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो, क्यों नहीं ट्राई किया, आप दूसरा का दूसरा को इतना आप सेवा में हेल्प करो, कोई भी लोगों को सेवा करता है, यू शुड बी हेल्प हिम इन द सेंस दैट यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट इट, तो कम कॉशियस तो कृष्ण कॉन्शियस नहीं हो सकते हैं, ये मेरा टीचर हमको बताया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं कल उसे बोला, बोल के आके नीचे रहता है तो आके देख नहीं पाया, बाहर में देखा, मैं रूम में बैठ के करता हूँ, बोलता है मैं नहीं देखा है, तो दैट इज द थिंग पीपल आर इन दिस लेवल, तो क्या हो सकता है बताओ, कॉन्शियसनेस सिर्फ लैप्सेस हो जाता है हमारा। थैंक यू, हरे कृष्ण, अनंत कोटि कृष्ण की जय। तो मॉर्निंग इवनिंग कोई 6:30 कोई क्लास है क्या? ठीक है बोलो, जो होगा तो ज्वाइन करेंगे आप। 7:30 को दूसरा क्लास है गुरु तत्व का ऊपर में, उसके लिए सेपरेट लिंक है, दैट आई विल शेयर 7:30 का लिंक में, और जो मेरा क्लास रेगुलर होता है ना, जिसको हमारा ग्रुप है, वो एक ही लिंक होता है। एक्स्ट्रा क्लासेस किसी का मैं दूसरा क्लास में जोड़ूंगा तो वो दूसरा लिंक होता है, मैं बताऊंगा उससे लिंक भेजूंगा, ठीक है? ठीक है। हरे कृष्ण।